हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमारे पास तीन कंटेक्टर और तीन एनओ एनसी ब्लॉक है, एडम ब्लॉक, और एक रिले है, और एक हमारा स्टार डेल्टा टाइमर है, और एक हमारा कंट्रोल एमसी भी है, और एक ऑन का पुश बटन, एक ऑफ का पुश बटन, और कुछ हमारे पास वायर है, और इन्हीं के मदद से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा A1 पे पावर सप्लाई है टाइमर का, और हमारा 15 नंबर कॉमन है जिससे हमारे इस दोनों में सप्लाई आएगा। और दोस्तों, ये कॉमन है डायरेक्ट, इस पर 15 को पावर जाएगा 15 नंबर पे, और 16 पे और 18 पे हमारा NONC है। वायरिंग के लिए सबसे पहले हम पावर के लिए MCB में एक वायर डाल देते हैं और स्टार्ट बटन पे कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल आप लोग को आसान वे में पूरे इजी तरीके से समझ में आ जाएगा वीडियो। और जैसे जैसे मैं कंट्रोल वायरिंग से करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी करेंगे। उसका जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पर हम पावर देते हैं रिले का, उस पर हम पावर दे रहे हैं स्टार्ट बटन से डायरेक्ट। ये तो एनसी है, डायरेक्ट इसमें पावर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम एक और वायर लेंगे जो रिले का हमारा एनसी होता है, जो रिले से आउटपुट आता है, उसको हम स्टार्ट के एनओ के इनपुट में दे देंगे। दोस्तों, हमने दे दिया। और दोस्तों, यहाँ से जो आउटपुट जाएगा कहाँ जाएगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। डायरेक्ट रिले पे जाएगा दोस्तों, यहाँ से जो एनओ से पावर निकलेगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, पर आप घबराए नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखें। कुछ अगर समझना है तो बिल्कुल आसान वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एनओ से हमने पावर दे दिया। अब दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जब यहाँ पर पावर आएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम स्टार और डेल्टा को देंगे। आइए दोस्तों, देते हैं। ये दोस्तों एनसी है, डायरेक्ट हमारा स्टार के लिए है। तो हम स्टार, ये हमारा है, ये मेन है, ये स्टार है, ये डेल्टा है। तो दोस्तों, हम स्टार का कनेक्शन मेन जो डेल्टा है, डेल्टा के एनसी से होके जाने देंगे इसके कॉइल पे। इसको दोस्तों हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ये हमारा अगर स्टार ऑन होता है तो डेल्टा एक साथ ऑन नहीं होगा, अगर दोनों एक साथ इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे ऑन हो जाएगा तो हमारा जो मोटर है वो डायरेक्ट डेल्टा में ऑन होगा, स्टार में ऑन नहीं होगा। तो इसलिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं कि हमारा एक चालू रहेगा तो एक बंद रहेगा। देखिए दोस्तों, स्टार का हमने इंटरलॉकिंग कर लिया, मतलब कॉइल पे दे दिया टाइमर से हो गया डेल्टा के एनसी से आया A1 पे, स्टार का A1 है। दोस्तों, हम अब डेल्टा का वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, डेल्टा की वायरिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। जब हमारा डेल्टा पे आएगा तो 18 नंबर होगा, 18 नंबर से हम कनेक्शन कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे, जो स्टार का एनसी है उसमें कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने कर लिया। और दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा है, इसके एनसी से जो आउट निकल रहा है स्टार के एनसी से, तो इसको हम डेल्टा के कॉइल पे देंगे। दोस्तों, इसको पहले से मैंने बेंड कर रखा है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने में। वायर को अच्छी तरीक़े से मैंने बेंड कर चुका हूँ पहले से ही। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों,
ये होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मतलब दोस्तों कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, दोनों एक साथ ऑन नहीं होगा, इसलिए इंटरलॉकिंग के लिए हम कभी भी एनसी का उपयोग करते हैं। और ओके देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना जो मेन है उसका वायरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, एनओ के आउटपुट से हम पावर देंगे स्टार का जो एनओ है वहाँ पे। दोस्तों स्टार के एनओ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारे मेन के कॉइल पे जाएगा, A1 पे जाएगा, स्टार के एनओ पे चला गया एटम प्लग के। और ये जब पिकअप होगा तो हमारा यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा कॉइल पे दोस्तों, तो हम अब कॉइल पर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से पावर मेरा चला गया, जब हम ऑन दबाएंगे यहाँ से आएगा, यहाँ से कॉइल पे चलाएगा, कॉइल तो पिकअप हो जाएगा, पर हम इसके लिए हम होल्डिंग करेंगे तभी हमारा ये पिकअप रहेगा, वरना ये जब दबाएंगे तब चालू होगा और बाकी ऑफ हो जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसका होल्डिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, होल्डिंग के लिए जो एनओ पे हमारा इसका एनओ का इस्तेमाल करेंगे, एक एनओ पे पावर सप्लाई आएगा, वो दोस्तों कहाँ से आएगा, एनओ के इनपुट से। देखिए दोस्तों, ये भी हो गया। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ जाएगा अगर पावर, तो पावर यहाँ आएगा तो यहाँ से हमको कॉइल पर देना है, तो कॉइल के लिए फिर एनओ का जो आउटपुट निकल रहा है उसको हम कॉइल पर दे देंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में दोस्तों, वीडियो बनाने में देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लगती है, तो इसलिए आपको को अगर इस वीडियो को देख के अगर सीख मिलती है, कुछ समझ पाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगा और वो भी जेन्यून रियल लाऊँगा। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे हेल्प करें वीडियो बनाने में। ओके दोस्तों, जब हम ऑन करेंगे तो हमारा होल्डिंग भी हो जाएगा, पर हमारा जब ये जो टाइमर है स्टार ऑफ करेगा, यानी स्टार ऑफ करेगा, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, तो हमारा पावर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हम कैसे होल्डिंग करेंगे। इसलिए दोस्तों हम यहाँ से एक पैरेलल कनेक्शन करेंगे, या यहाँ से सीधे पावर यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये पिकअप ही रहेगा, यहाँ से हमको यहाँ पावर चाहिए। तो आइए दोस्तों के लिए पैरेलल कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने वायरिंग कर लिया, क्योंकि दोस्तों हम ये पैरेलल कनेक्शन इसलिए करते हैं कि यदि हमारा ये ऑफ हो जाए, ये ऑफ हो जाए, तो अब ये तो हमारा सप्लाई बंद कर देगा, सप्लाई बंद करेगा तो हमारा क्या, इसको सप्लाई चाहिए, कॉइल पे सप्लाई चाहिए, तो हमारा बैक साइड से ये ऑन रहेगा, तो ये यहाँ से जाके यहाँ दे देगा, ये ऑन रहेगा, क्योंकि हमारा मेन तो कभी ऑन ही रहता है। ओके, अब आइए हम न्यूट्रल वायरिंग करते हैं। दोस्तों कंडक्टर का जो कॉइल होता है A1 A2 होता है, तो हम अक्सर A1 पे फेज देते हैं सिंगल फेज में, सॉरी दोस्तों मुझे दिखा नहीं, दोस्तों ये टाइमर को देना है, टाइमर में भी देख सकते हैं न्यूट्रल के लिए पॉइंट देता है A2। देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल वायरिंग भी हमने कर लिया, तो हमको एक वायर चाहिए यहाँ से न्यूट्रल। देखिए दोस्तों, हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिया अपना, और हम अब इसका टेस्टिंग करेंगे। तो ओके दोस्तों, आइए हम टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा एनओ है और ये एनसी है, पावर यहाँ से ऑन करते ही हमारा यहाँ है, यहाँ से दोस्तों
एनसी पे किया है। एनसी हमारा नॉर्मली क्लोज होता है दोस्तों, यहाँ से पावर आउटपुट दे रहा है सीधे रिले पे जा रहा है, और रिले का कहाँ जा रहा है दोस्तों, रिले का जो कॉमन पॉइंट होता है उस पर जा रहा है। वहाँ से दोस्तों ये कॉमन पॉइंट से हमारा जो एनसी है वो आउटपुट दे रहा है रिले, और ये आ रहा है एनओ पे, एनओ पे इनपुट में आ रहा है। और दोस्तों इनपुट जब हम दबाएंगे तो हमारा पावर सीधे जाएगा कहाँ पे, ये देखिए दोस्तों सीधे टाइमर पे, तो टाइमर पे जा रहा है दोस्तों, टाइमर तो ऑन हो जाएगा, टाइमर ऑन होगा तो यहाँ से सीधे पावर कहाँ जाएगा दोस्तों, ये नॉर्मली क्लोज यानी एनसी पॉइंट है इसका टाइमर का, तो सीधे हमारा डेल्टा के एनसी से गुजरते हुए हमारा जाएगा स्टार के एवन कॉइल पे। तो देखिए दोस्तों दबा रहे हैं तो ये पिकअप होगा, ठीक है दोस्तों, और हमारा जब स्टार से डेल्टा में आएगा तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा और ये पिकअप हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, और इसको दोस्तों पावर कहाँ से मिल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ से पावर मिल रहा है इसको, यहाँ से पावर घूम के जा रहा है, ये पावर नहीं जा रहा, ये तो ऑफ हो गया, ये पावर यहाँ से घूम के इसमें से ये पिकअप है तो यहाँ से जाके यहाँ से फिर कॉइल पे जा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बस यही है हमारा स्टार डेल्टा में, और आप लोग जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाया और कनेक्शन किया वैसे वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा है, इसको और डाउन करते हैं टाइम को, तो आइए हम डाउन कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पर, देखिए दोस्तों कम टाइम में तुरंत हो जाएगा, क्योंकि स्टार में दोस्तों मोटर हमारा बहुत ज़्यादा करंट लेता है, अगर डायरेक्ट डेल्टा पर कराएंगे चलाएँगे तो हमारा जल जाएगा मोटर।